नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है मेरे पास सेंटर लॉकिंग और ये जो बाइक है ये है स्प्लेंडर प्लस BS6। उसके अंदर सेंटर लॉकिंग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो चीज़ आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको सेंटर लॉकिंग कहीं पर फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए इस पर टेपिंग दी हुई होती है, साथ ही इसके आता है और इस तरह से आप इसको उतारिए और जहाँ पर आपको इसको फिक्स करना है वहाँ पर फिक्स कर दीजिए ताकि गड्ढे वगैरह में ये हिले ना और इसकी वायरिंग वगैरह टूट ना जाए। तो सबसे पहले जो है हम इसकी वायरिंग की शुरुआत करते हैं तीन तारों से। जो तीन तार हैं उसमें एक तार है ग्रे और जो दो तार हैं वो है येलो कलर की। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकालेंगे और जो हमारा बैक साइड में इंडिकेटर की वायरिंग है वहाँ पर ले जाएंगे और इस तरह से सबसे पहले हम इसको पीछे ले जाते हैं जल्दी से। इस तरह से आपको इसको जो है पीछे ले जाना है, दो वायर को जो है इस तरह से पीछे निकालना है जो पीले वाली वायर है, और उन दोनों वायर को पहले छील लेना है, थोड़ी इस तरह से लंबा छीले। और छीलने के बाद सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर की वायर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जो ऑरेंज कलर की वायर है उसके अंदर आपको एक पीले रंग की तार को जो है इस तरह से डाल देना है और जो थिम्बल आपने निकाला है उस थिम्बल को जो है वापस उसी ऑरेंज कलर के वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद एक आपको यहाँ पर ब्लू वायर मिलेगी, उसको भी आपने इस तरह से अलग कर लेना है और उसका जो थिम्बल है उसके अंदर जो बची हुई दूसरी पीली तार है उसको आपको इस तरह से लगा देना है और इसको वापस से ऐसे ही फिटिंग कर देना है। तो जो दो पीली वायर है वो हमने जो हमारी इंडिकेटर की वायर है पीछे वाली लेफ्ट और राइट उन दोनों पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है ब्लू और ऑरेंज वायर के साथ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर एक ग्रे वायर है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रे वायर है ये आपको जो है इसको जो हमारी बॉडी है इस बाइक की उसके साथ अर्थिंग करना है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है, ये जो आपका सेंटर लॉकिंग है उस सेंटर लॉकिंग को ये शॉर्ट वगैरह होने से बचाएगा क्योंकि इसके अंदर अर्थिंग जाएगा तो ये थोड़ा यहाँ से सेफ रहेगा। वैसे जो पहले BS3 बाइक आती थी उसके अंदर इसका ज़्यादा बेनिफिट था, लेकिन जो ये जो बाइक है ये BS6 है उसके अंदर सिर्फ इस ये काम करेगा जो ये सेंटर लॉकिंग है वो अंदर से अर्थिंग वगैरह हो जाए, कोई वायरिंग वगैरह लॉस ना हो जाए तो वहाँ पर ये इसको थोड़ा सेफ रखेगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं जो दूसरी वायर है उनकी तरफ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी साइड में। चलिए अब अगली वायर की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो अगली वायर है इसके अंदर वो है लाल रंग की। जो लाल रंग की वायर है उसको आपको यहाँ से इस तरह से आगे निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसको यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई देनी है इस लाल तार के द्वारा, ठीक है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दे दी। अब जो दूसरी वायर है वो है ब्लैक कलर की यहाँ पर, और जो ब्लैक कलर की वायर है उसको हमने जो बैटरी का नेगेटिव वायर है उसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। जो रेड वायर है वो पॉजिटिव के साथ और जो ब्लैक वायर है सेंटर लॉकिंग का उसको नेगेटिव के साथ, ठीक है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब अगली वायरिंग, तो जो अगली वायर है वो है ब्लू कलर की। अब जो ब्लू कलर की वायर है उसको भी आपको ऐसे ही छील लेना है और यहाँ पे देखिए ये लगा है सेल्फ रिले। सेल्फ रिले के अंदर आपको वायरिंग देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे पीली और लाल, आपको इस तरह से जो है इस रिले को अलग कर लेना है और जो पीली लाल तार है ये वाली उसके अंदर इस तार को डाल देना है ब्लू वायर को, जो सेंटर लॉकिंग की है ब्लू वायर उसको इस तरह से डाल के इस रिले को वापस लगा दे और उसके बाद जो है इसको इस तरह से फिक्स कर दें। अब अगली वायर जो है ऑरेंज कलर की, जो सेंटर लॉकिंग के अंदर है वो है ऑरेंज कलर की वायर, इसको आपको थोड़ा लंबा छीलना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको थोड़ा लंबा छील लें। अब इसको कहाँ लगाना है,
यही एक मेन पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले ईसीयू को आपको जैक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको नीचे आपको दबाना है थोड़ा। अब देख लीजिए, यहाँ पर इसको नीचे दबाया ऐसे, और ये जैक बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह दबाने से। अब यहाँ पर नोट कीजिए, जो पहला होल है, ठीक है, सबसे पहला होल इस साइड में, जहाँ से हमने इसको निकाला, पहला होल, इसकी वायरिंग का कलर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिसमें हम ये तार डाल रहे हैं, वो वायरिंग का कलर ये है, रेड और ब्लैक। ठीक है, इस तार के अंदर आपको जो है इस ऑरेंज कलर की तार को लगा देना है। ठीक है, अब हमने इसको जो है यहाँ से कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। आपको उसके बाद जो है इस बाइक का वाइजर खोल लेना है। वाइजर खोलने के बाद यहाँ पर ये सॉकेट है, जो हमारा इग्निशन स्विच है उसकी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए एक वायर लगी है दूसरी साइड में, रेड और येलो। उसके विपरीत यहाँ पे लगी है एक वायर ब्लैक और रेड, दो रंगी तार है, रेड और ब्लैक। ठीक है, उस तार को आपको इस तरह से अलग करना है। पीछे दबाएंगे तो ये इस तरह से अलग हो जाएगा, ये थिम्बल अलग हो जाएगा। उसके बाद आप इस जैक को वापस लगा दें, और जो वायर आपने यहाँ से खोली है उसको टेपिंग कर दीजिए अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कल आपका सेंट्रल लॉकिंग ख़राब हो जाए, बाइक स्टार्ट ना हो, तो आपको इस वाइजर को खोलना है और इस वायर को जो है जहाँ से आपने निकाला, जिस होल से, वहाँ पर वापस लगा देना है। कल यदि बाइक की बैटरी डेड हो जाए, सेंट्रल लॉकिंग काम न करे, किसी वजह से आपने हफ्ते 10 दिन बाइक को यूज नहीं किया और बैटरी डेड हो गई, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो आप इस वायर को जो है वापस से लगा देंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, यदि सेंट्रल लॉकिंग ख़राब हो जाए या बैटरी डेड हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर बजर लगा हुआ है, इसको मैंने लगाया है। इसमें जो सेंट्रल लॉकिंग है उसमें जो कपलर है, दो कपलर हैं, एक मेन वायरिंग का, एक कपलर और है जिसके अंदर हमने जो है इस सायरन को लगाया है। ये दो तरह के सेंट्रल लॉकिंग आते हैं, एक में सायरन होता है, एक में नहीं होता, वो आपकी इच्छा है आप कौन सी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इसके अंदर केवल एक तार बची है जिसका आपको कोई यूज नहीं करना, ये है। ठीक है, पिंक कलर की वायर है, चाहे तो आप इसके साथ यहाँ पर अर्थिंग कर सकते हैं, लेकिन यदि ना चाहें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, सारी वायरिंग में से आपको पिंक कलर की वायर जो है ऐसे ही छोड़ देनी है। अब करते हैं इसको टेस्टिंग। तो सबसे पहले बाइक को लॉक करके देखते हैं, बटन दबाया, बजर भी बोला और बाइक लॉक भी हो गई। ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, आपकी बाइक जो है यदि कोई इसको हिलाएगा या चोरी करने की कोशिश करेगा तो सायरन बजेगा। ठीक है, और इससे जो है यदि आप इसको हाफ दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाइक स्टार्ट नहीं होगी चोर पे, और यदि इसको दबाएंगे, यदि कोई छेड़ेगा तो इस तरह से जो है सायरन बजने लगेगा। ठीक है, और ये हाफ बटन दबाने से, इससे सिर्फ ये सायरन नहीं बजेगा, यदि आप चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना हो, शोर वगैरह ना हो बाइक का, और बाइक स्टार्ट भी ना हो, तो हाफ लॉक दबाइएगा। अब बाइक को स्टार्ट करना है, इस बटन को दो बार दबाएं, देखिए दो बार बाइक बटन को दबाना है तो बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा एक जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो है जब तक आप बाइक का स्विच नहीं लगाएंगे, न्यूट्रल लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह कुछ नहीं चलेंगे। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, यदि मान लीजिए जो चोर है वो सबसे पहले क्या करता है, बाइक के अंदर चाबी लगाने की कोशिश करता है, कोई दूसरी पुरानी चाबी लगाने की कोशिश करता है। देखिए, जैसे हम इसको अनलॉक वाले बटन को दबाते हैं, जो FI लाइट जलती है और जो बाइक है वो बंद हो जाती है। अब चोर जो है क्या करेगा, सबसे पहले जो ये चाबी होता है ना, इसको कोशिश करता है कोई पुरानी चाबी आपकी बाइक में लग जाए। जैसे मान लीजिए आपने बाइक को लॉक किया हुआ है और उसने चाबी लगा ली, तो क्या होगा, यहाँ पर हॉर्न वगैरह सब बजेंगे लेकिन जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, कुछ भाई ऐसे भी इसके सेंट्रल लॉकिंग करते हैं, ये जो है लाइटें वगैरह सब चल जाती हैं सेंट्रल लॉकिंग ऑन करने पर, वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। यदि कोई इसमें चाबी लगा भी लेगा तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर। और जैसे आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, दो बार बटन दबाएं, देखिए FI लाइट जली और फिर बंद हो गई, बाइक जो है आपका सेंसर वगैरह भी ठीक है
और बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल लॉकिंग जो है इस तरीके से लगाएं, कोई ज़्यादा जुगाड़बाजी ना करें वरना वायरिंग वगैरह का रिस्क हो जाता है। इस बटन को दो बार दबाएं या एक बार, देख सकते हैं बाइक जो है हमारी अब लॉक हो चुकी है। और यदि कोई इसमें चाबी वगैरह लगा भी लेगा तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। तो दोस्तों जो चोर वगैरह होते हैं वो कोशिश करते हैं यहाँ से भी इसको डायरेक्ट करने की, लेकिन इसको यहाँ से अब कोई जो है डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे ही सेंटर लॉकिंग लगाइए। वैसे तो यूट्यूब पर कोई और भाई भी आपको बताएंगे सेंटर लॉकिंग ऐसे लगाएं, लेकिन हो सके तो ऐसे ही लगाइएगा, ये है बेस्ट BS6 के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है यार। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।